ये कंप्यूटर जो है, अभी हम बताए थे कि कंप्यूटर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये विद्युत, ये यंत्र। मेरा हैंडराइटिंग आप लोग के समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, आपके लिए पढ़ाने के लिए हम बस और मेहनत करेंगे कि हैंडराइटिंग को सुधार करें। देखिए यहाँ कंप्यूटर जो है, अभी हम बता रहे थे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कंबाइन करके काम करता है। यहाँ आइए, ये इधर हार्डवेयर, इधर सॉफ्टवेयर। वाकई में कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब इलेक्ट्रिक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक होता है। ये सब हार्डवेयर है, इसको कबाड़ी में ले जाएगा तो सोन पापड़ी मिलेगा। क्या मिलेगा? सोन पापड़ी मिलेगा, या नहीं तो वजन के तौर के हिसाब से दे देगा। अगर लाखों रुपया की चीज आप कबाड़ी वाले के पास लेके जाइएगा ना, वो सोन पापड़ी ही दे देगा, उसको क्या पता है कि क्या है। लेकिन काम वाले को पता है कि वाकई में ये कंप्यूटर है जो अभी बिहार बिल्कुल में कि सारे काम आने वाला है, जो कि इसमें बड़ी धूम मचाया है। देखिए तो ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हम समझ लेते हैं एक ही टॉपिक में, कि हार्ड मतलब कठिन होता है। क्या होता है? कठिन, यानी एक भाषा में समझते हैं कि हार्डवेयर जो हम अपनी आंख से देखे और हाथ से छुए, उस पार्ट्स को क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। जो अपनी आंख से देखेंगे, हाथ से छुएंगे, उस पार्ट्स को क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। समय अनुसार उसे हम लोग मरम्मत भी करते हैं, उस पार्ट्स को क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। जैसे कंप्यूटर के पूरी पार्ट्स, कंप्यूटर ऑल पार्ट्स। कंप्यूटर में जितने सारे पार्ट्स आते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, जॉयस्टिक, ईटीसी, ये सब क्या है? हार्डवेयर। आप ध्यान दीजिए, सॉफ्टवेयर। पहले समझ लीजिए एक सेटअप प्रोग्राम होता है। क्या होता है? ये सेटअप प्रोग्राम होता है, जिसे हम ना आंख से देख सकते हैं ना हाथ से छू सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। जैसे एमएस डॉस, विंडोज एक्सपी, एमएस वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, ये सारे कंप्यूटर पर काम करते हैं, ये चलाते हैं, सब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया? ये दोनों की कंबाइन करके ये चलता है कंप्यूटर। ये सभी हार्डवेयर को चलाने की जरूरत है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की। कंप्यूटर की पूरी पार्ट को चलाने के लिए क्या जरूरत है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मनुष्य को जगाने और सोने की प्रक्रिया जो करती है, एक नींद है, जो नींद को चलाने के लिए आत्मा काम करते है ना, वैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। कंप्यूटर नहीं तो ऐसे कबाड़ी को। सबको समझ में आ गया?